मित्रों, हमारा शरीर पूरे दिन में विभिन्न क्रियाएं करता है, परंतु इन विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए हमारे शरीर को विभिन्न प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, जैसे भोजन ग्रहण करना, फिर उसे पचाना और फिर आखिर में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना यानी उत्सर्जन करना। इन तीनों क्रियाओं को सही रूप से संपन्न करना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे उत्सर्जन यानी शौच के पौराणिक नियमों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में शौच के बहुत ही जटिल नियम बनाए गए हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में स्वच्छता को सबसे उच्च श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम शौच के नियमों के बारे में बात करें तो पौराणिक ग्रंथों में से एक अग्नि पुराण के अध्याय 156 में शौच के नियमों को विस्तृत रूप से बताया गया है। इस अध्याय के अनुसार एक व्यक्ति को शौच के बाद 5 बार अपनी गुदा में, 10 बार बाएं हाथ में, फिर 7 बार दोनों हाथों में, 1 बार लिंग में तथा आखिरी में 2-3 बार हाथों को मिट्टी या फिर साबुन लगाकर धोना चाहिए। साथ ही इसमें बताया गया है कि जनेऊ पहनने वाले व्यक्ति को मलमूत्र विसर्जन के पूर्व जनेऊ को दाहिने कान पर चढ़ा लेना चाहिए और हाथ पैर धोकर तथा कुल्ला करने के बाद ही इन्हें वापस उतारना चाहिए। अग्नि पुराण के साथ ही गरुड़ पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को पेड़ की छाया में, कुएं के पास, नदी के तट पर, गौशाला में, जोते हुए खेत में, हरी भरी घास में, पुरानी अथवा टूटी फूटी दीवारों पर, चौराहों पर, शमशान में, गोबर पर, जल के भीतर, लोगों के घरों के आसपास, खेल कूद के मैदान में, अग्नि या फिर उसके निकट, पर्वत की चोटी पर और लकड़ी पर मलमूत्र का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पुराने ग्रंथों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो हमें कभी भी खुले में शौच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपशिष्ट मलमूत्र में काफ़ी कीटाणु पाए जाते हैं, जिससे अगर अन्य कोई व्यक्ति इन कीटाणु रहित मलमूत्र के संपर्क में आता है तो वह बीमार पड़ सकता है। इसलिए हमें पुराने ग्रंथों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि को देखते हुए इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाज़त। आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी।